हे एवरीवन, वेलकम टू रितिकास आइडियाज। कॉर्न का स्वाद तो लगभग सभी ने लिया होगा। कॉर्न, जिसे हम भुट्टा कहते हैं, कुछ लोग इसे उबाल कर खाते हैं और कुछ लोग भून कर। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाने वाला हेल्दी स्नैक्स शेयर करूंगी, तो देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉर्न को धो लेंगे। धोने के बाद हम इसे उबालेंगे। मैं इसे विसल दिलवाऊंगी। विसल दिलवाने से ये बहुत अच्छे से गल जाते हैं। आप चाहे तो इसे बॉईल कर सकते हैं। अब इसमें पानी डालेंगे। मैंने लगभग 2 ग्लास के करीब पानी डाला है। अब आधी चम्मच नमक डालेंगे। एक विसल आने के बाद गैस को कम कर देंगे और सिम पर हम इसे 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। 7 मिनट हो चुके हैं, गैस को बंद कर देंगे। कॉर्न हमारे अच्छे से गल गए हैं, अब हम इसे छान लेंगे। मैं आपको 2 रेसिपीज बताऊंगी। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कॉर्न चाट। इसके लिए हमें चाहिए बॉइल्ड कॉर्न, नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला, नींबू का रस, एक बारीक कटा हुआ प्याज और हरा धनिया। अब हम सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आपको ध्यान रखना है कॉर्न बॉईल करते हुए भी नमक डाला था। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला, एक छोटी चम्मच नींबू का रस, प्याज, अब डाल देंगे हरा धनिया। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेकेंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन गरम करेंगे और पैन में 1 चम्मच के करीब हम बटर डालेंगे। बटर हल्का गरम होने के बाद इसमें हम कॉर्न डाल देंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर, अगर आपको काली मिर्च नहीं डालनी तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च, इसे अच्छे से मिक्स करें। हमें इसे सिर्फ 1 मिनट तक ही फ्राई करना है। एक मिनट बाद गैस बंद कर दें। अब इसे हम सर्व करेंगे। लीजिए, रेडी है मसाला स्वीट कॉर्न। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे आता है जैसे हम थिएटर या मॉल में खाते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।